आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। ओरल केयर एडवाइस, एंटी टोबैको एंड कैंसर अवेयरनेस विद एक्सपर्ट डॉक्टर रिदा इफत, डॉटर ऑफ डॉक्टर शिराज खान। सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। वीडियो में जो दिख रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, बार बार ये मत बोलो, गलत चीजें मत फैलाओ। और सब क्या, हमारे बॉस नहीं है? वीडियो में जो दिख रहा है वो हाथ से इसे झटके, क्या गार्ड को झटक रहे थे या आपको झटके दिए? तो कहीं ना कहीं आपकी इंसल्ट हुई ना वहाँ पर? आप जो बोल रहे सही है, मफलर हाथ में था। आप किसी पे हाथ के नीचे दबे हुए लोग नहीं है, पर अगर मेरे नेता अगर कुछ गलत करते हैं तो उनको भी जवाब देने की ताकत ये प्रवीण पवार रखता है। तो राहुल गांधी हमारे सामने कुछ नहीं, हमारे सामने आवार साहब भी कुछ नहीं। मेरे लोगों को आने दे, मेरे लोगों को आने दे। अभी वो बीजेपी के लोग हैं, उनको तो ये सब लफड़ा करना ही है। राजेंद्र दादा आप नेता हो, जाओ निषेध करो। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल एक वीडियो सामने आई थी राहुल गांधी के यात्रा की, और उस वीडियो को लेकर राजन की ने रिदा रसीद मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे कलवा मुमरा की विधायक जितेंद्र भाट पर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर। प्रवीण पवार हमारे साथ मौजूद हैं और भी तमाम बौद्ध समाज के लोग यहां पर हैं, हम इनसे बात करेंगे उस मामले को लेकर। एक वीडियो जो कल सामने आई, उस वीडियो को लेकर राजन की ने रिदा रसीद पुलिस स्टेशन पहुंचे FIR दर्ज करने के लिए। उस वीडियो में आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप हैं वो, क्या हुआ था पूरा मामला वो? मैं, मेरा भाई राजेश इंगोले और हमारे समाज के लोग और सम्राट नगर के स्थानीय रहवासी, हम लोग सब सम्राट नगर नाके पे रुके थे। देश के नेता राहुल गांधी आए हुए थे उनका स्वागत करने के लिए। हमने बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो राहुल गांधी जी को दिया, राहुल गांधी जी ने हमको पास बुलाया, उनके गले में हमने शॉल पहनाया और उन्होंने हाथ मिला के जय भीम भी कहा हमको। तो बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ। उसके बाद में जब हम लोग राहुल गांधी जी से मिलने आगे गए तो मेरे भाई को राहुल गांधी जी के कमांडो ने, आप, मैंने जो फेसबुक पे पोस्ट किया वीडियो उसमें देख लीजिए, मेरे भाई को राहुल गांधी जी के कमांडो ने उठा के साइड में कर दिया, पीछे कर लिया, किसी को आगे आने नहीं, मुझे अकेले को आगे जाने दिया। उसके बाद में मेरा भाई और हम आवार साहब को शाल पहनाने के लिए गए तो मेरे भाई को फिर से कमांडो ने पीछे कर दिया। तो कमांडो ने पीछे करने के बाद आवार साहब ने वो कमांडो को चिल्लाया तो राहुल गांधी जी ने आवार साहब को कहा कि ये मेरे इसका कमांडो है, आप उनके ऊपर मत गुस्सा कीजिए। वो वीडियो में मैंने जो पोस्ट किया उस वीडियो में आप देखिए कि आवार साहब मुझे प्रवीण चाय की दुकान कहाँ है ऐसा पूछ रहे बार बार। तो मैं जब राहुल गांधी जी का सत्कार कर रहा था तभी आवार साहब का, मैं कार्यकर्ता हूँ और मैं आवार साहब को मेरे घर का बड़ा आदमी समझता हूँ, मेरे करीबी मानता हूँ, तो वो हिसाब से मैं उनके करीबी हूँ। तो वो हिसाब से आवार साहब राहुल गांधी जी को चाय पीनी थी, आवार साहब ने मुझे पूछा कि, तीन चार मरतबा आवाज़ देकर, मेरा ध्यान नहीं था उनके ऊपर, तीन चार मरतबा आवाज़ देकर पूछा कि प्रवीण चाय की दुकान कहाँ है, चाय की दुकान कहाँ है। तो मैंने बताया साहब आगे, तो साहब मेरे को क्या बोले, वो भी वीडियो है मेरे पास, कि जल्दी आगे जा और चाय बोल दे। तो इसमें कुछ गलत है यार, ऐसा कुछ है नहीं। आवार साहब ने, आप वीडियो देख सकते हैं कि गले में से शाल निकाल के फेंका वेंका, ऐसा कुछ भी नहीं है। गार्ड उनकी तरफ आगे जाने नहीं दे रहे थे, मेरे भाई को दो बार गार्ड ने पीछे ढकेला, इसके लिए आवार साहब उनके ऊपर गुस्सा कर रहे थे। ऐसा कुछ भी अपशब्द गाली बिली उन्होंने किसी को भी यूज़ नहीं किया। ये जो लोग जो वीडियो है, उस वीडियो में आपने पहले शाल पहनाया राहुल गांधी को, ये ब्लू कलर का मफलर है, शॉल है। उसी दौरान आप कह रहे हैं कि हम वहाँ गए और राहुल गांधी चाय के लिए बोल रहे हैं, तो विधायक जितेंद्र भाट जब आप राहुल गांधी को शॉल पहना रहे हैं तभी बोल रहे हैं प्रवीण चाय, चाय की दुकान, चाय की, चाय पीना है, चाय का इशारा कर रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। और यहाँ से जब आपने शॉल पहनाया तब आप पीछे की तरफ गए जितेंद्र भाट को शॉल पहनाने के लिए, इसीलिए गुस्से में आकर कि वो बार बार चाय के लिए बोल रहे हैं तुमसे, अब तुम ध्यान नहीं दे रहे उनके ऊपर, और यहाँ से घूम के चाय
शॉल पहनाने के लिए गए तो उन्होंने फिर तुमको झिड़की दिया, से बोल रहा हूँ चाय 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 और तू नहीं दे रहा है, इस तरह की बात लोग बता रहे हैं, जो उसमें वीडियो में एक दो लोग दिख रहे हैं उन लोगों ने बताया है ऐसा। भाई देखो, मेरा भाई भी मेरे साथ में था, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लोग गलत बातें बता रहे। हम लोग दोनों जब राहुल गांधी के कमांडो ने इसको साइड में किया, मैंने राहुल गांधी के कमांडो ने इनको साइड में किया, उस वक्त आप राहुल गांधी के सामने थे, इनको पीछे किया, एक मफलर इन्होंने आपको दे दिया, एक मफलर इनके हाथ में ही रह गया, ठीक है, उसके बाद आपने राहुल गांधी को मफलर पहनाया, फिर पीछे गए विधायक जी के पास गए, विधायक जी चाय नहीं, चाय की दुकान पे ना जाने की वजह से आपको बोले थे आगे जाओ चाय पीना है, चाय के लिए रुको, तो आप लोग नहीं गए, इसलिए वो गुस्सा हो गए। ये बात सारब सर गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अवार्ड साहब ने मुझे चाय की दुकान कहा है पूछा और मुझे बोला भी आगे मफलर, मफलर तो वीडियो में इसे झटकते हुए दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे झटक रहे ना, देखो ना, खोलो अभी खोलो वीडियो, आप देखो ना भाई, अवार्ड साहब ने आप नहीं दे रहे, गले में से नहीं, हाथ में झटके, सुनो भाई उसका हाथ से झटके, ये मेरा भाई जब ऐसे झटके ना हाथ से, ये मेरा भाई जब अवार्ड साहब को, मैं क्या बोल रहा हूँ वीडियो में जो दिख रहा है वो हाथ से ऐसे झटके, मैं गले से नहीं बोल रहा हूँ, हाथ से ऐसे झटके ना, झटके नहीं भाई, तो गार्ड को चिल्ला रहे थे क्योंकि इसको आगे ही आने नहीं दे रहा था गार्ड। अरे तो मफलर झटकने से क्या गार्ड रुक जाएगा क्या? अरे मफलर झटका नहीं है, आवार साहब ने मफलर ऐसा ये झटक तो छोड़ दिया, वीडियो पर प्ले कर, गार्ड को आवार साहब ने चिल्लाया है। आप ऐसा कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग मत पैदा कीजिए कि जिससे समाज का माहौल खराब हो, जो हकीकत है हम ये इसके ऊपर बीती है, हमारे ऊपर बीती है, हम जगह पे थे ना, आवार साहब ने चाय लाने के लिए बोला, चाय की दुकान कहाँ है वो बोला, चाय किधर, जो लोग वहाँ मौजूद थे आपके ही साथ वाले जो लोग वहाँ मौजूद थे और वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उनसे जब पूछा हम लोगों ने कि क्या हुआ था वहाँ पर, तो उन लोगों ने यही बताया कि विधायक जितेंद्र अवार्ड प्रवीण को चाय के लिए बार बार बोल रहे थे और वो चाय के लिए आगे दुकान पे नहीं गए और वहाँ से राहुल गांधी को मफलर पहना के और वो विधायक जितेंद्र अवार्ड के पास गए तो वो गुस्से में आ गए, बोले चाय के लिए बोल रहे इधर लेके चल जा यहाँ से, बोल के तो आपको झिड़की दे के हटा दिए वहाँ से। भाई मेरे पास TV9 का वीडियो भी है जिसमें राहुल गांधी जी का कमांडो और मैं, हम दोनों चाय की दुकान देखने के लिए आगे गए थे, वो भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बात में गए हैं, सब बोलने के बाद, सुनो ना भाई, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वीडियो में है झटकते हुए मफलर है या नहीं ये बताओ, झटकते हुए है ना, पर उसका गलत, ये गलत इंटेंशन से झटका हुआ नहीं है, वो गार्ड को चिल्ला रहे हैं कि क्यों लोग, अगर मेरा भाई उनको शाल पहना जा रहा तो गार्ड उतना भी कर, आप वहां पर थे, आप कह रहे हैं गार्ड को कह रहे थे लेकिन और भी वहां लोग थे, तो उन लोगों ने जो पूछा वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो वहां लोग और थे उन लोगों का ऐसा कहना है। भाई मेरे तो वाकई में क्या गार्ड को झटक रहे थे या आपको झटकी दिए? गार्ड को झटक रहे थे, मेरे को खुद 6 मरतबा आवाज दिए, बोले चाय की दुकान कहाँ है, तो मैंने बोला आगे है, तो मेरे को बोले आगे जल्दी जाओ और चाय भी बोल, ये भी बोले, इसमें कुछ गाली गलौज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जो लोग बता रहे, तो मेरे साथ वाले भी बहुत से लोग थे, उनका इंटरव्यू ले लो, वो भी बताएंगे जो हकीकत हुई है। ये जो खाली शहर का माहौल खराब करना चालू है। अभी जो राजन किनेर इधर सीट गए थे एट्रोसिटी बोल के कि दर्ज कराना है, तो वो क्या लग रहा है आपको कि मफलर झटकना और आप भी बौद्ध समाज से ही आते हैं तो इतने बड़े बीच में कहीं ना झटकना मफलर और आपको झटकी देना, तो कहीं ना कहीं आपकी इंसल्ट हुई ना वहाँ पर? भाई आवाड़ साहब ने किसी का इंसल्ट वगैरह किया नहीं, इंसल्ट उद्देश्य से नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंसल्ट हुई ना अगर किसी को भरी बीच में, तो आप ही लोग जाते ना एट्रोसिटी दर्ज कराने की हमारे समाज पर ये से झिटक दिया ये हो गया, तो आज वो आपके बॉस हैं, अगर आपके बॉस नहीं होते तो क्या होता? अगर हमारे बॉस है ये बात नहीं है, हमारे घर के आदमी है वो, हम उनको घर का बड़ा समझते हैं और हम उनके करीबी है, उन्होंने ऐसा झटक के किसी समाज का अपमान वगैरह किया नहीं है, हम खुद बौद्ध समाज के हैं, हम बाबा साहब को चाहने वाले लोग हैं, उनके नक्शे कदम पे दिखाए हुए नक्शे कदम पे चलने वाले, हम अन्याय सहन करने वाले लोग नहीं हैं। वीडियो में तो दिख रहा है आप तो हम उसका करारा जवाब देते, अगर हमारे साथ अन्याय होता तो हम उसका करारा जवाब देते, चाहे वो अवार्ड साहब हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, अगर हम पे अन्याय होता, हमारे भाई पे अन्याय होता, आप सम्मान सर, करारा जवाब आप, देने के लिए आप हम खुद उतने सक्षम और उतने मजबूत है, हम किसी पे हाथ के नीचे दबे हुए लोग नहीं है,
ये आपके दिमाग से निकाल दो कि हम किसी के दबे हुए हैं, वो हमारे बॉस है, वो हमारे बॉस है, मेरे नेता है, सब ये है। पर अगर मेरे नेता अगर कुछ गलत करते हैं तो उनको भी जवाब देने की ताकत ये प्रवीण पवार रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि बाबा साहब ने दिए हुए संविधान को मानने वाला है और उनके दिखाए हुए नक्शे कदम पे। आवार साहब ने ऐसा कुछ किया नहीं, आप गलत मत फैलाओ। मफलर झटका की नहीं, झटका मफलर झटका नहीं, शाल है वो भी, वही वही शॉल। आप थे क्या वहाँ पे मौजूद? वीडियो में दिख रहा है, मैं वो बता रहा हूँ, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। कौन वहाँ था कौन नहीं था वो छोड़ दो, वीडियो में जो दिख रहा है वो मैं बात कर रहा हूँ। आप शॉल ओढ़ाने के लिए गए, वो शॉल से क्या होता है? सम्मान किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। आपने राहुल गांधी को शॉल ओढ़ाया, राहुल गांधी को सम्मान मिला, आप बता रहे कि ये शॉल है? तो ये शॉल आप पहनाने गए थे विधायक जीते जहाँ पे सम्मान के तौर पर, और जिस चीज से सम्मान मिलना है उसी चीज को झटक दिया जाए, ऐसे भरी पब्लिक के बीच में इसे फेंक दिया जाए, ऐसे झटका झटकार दिया जाए जो आपके साथ हुआ, क्या है वो? भाई आप जो शब्द वापर रहे, फेंक दिया, ये शब्द आप मत यूज करो, ये शब्द मत यूज, ये देखो ऐसे शब्द यूज करके ही लोगों को गुमराह किया जाता है। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप बोल रहे गुमराह किया जाता है, क्या गुमराह किया मीडिया? क्या क्या सच्चाई? मैं तो बता रहा हूँ ना, झिटकार दिया ऐसे, झिटकारा कि नहीं झिटकारा? एक मिनट रुको, एक मिनट बाबू भाई, आपने वीडियो देखा? देखा, ऐसे झिटकारा झिटकी दिया है? वो झटकारा नहीं, वो उसको बॉडीगार्ड को बोल रहे थे मेरे लोगों को आने दे, मेरे लोगों को आने दे। अभी कैसा है, हाँ मफलर हाथ में था, मगर कैसा है, हर आदमी की देखने की नजर अलग अलग रहती है, किसी को लगता है झटकार, किसी को आप बोले जाए, आपके विरोधी जो है वो बोल रहे यही बात कि झटकार दिया, झटक दिया, विरोधी है ना, विरोधी का काम है विरोध करना भाई। सबसे बड़ी बात अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर आप विधायक की जगह पर अगर कोई दूसरा होता तो आज जो आप लोग के समाज के लोग बैठे वो लोग क्या करते? अभी आप जैसे बोल रहे हैं कि रीदा रसीद, जो पहले अभी इन लोगों को इंटरव्यू दिए, बोले रीदा रसीद या और कोई भी अगर बोलेगी कि पैसा लेकर यहाँ लोग आए हैं तो अगर ये साबित नहीं कर पाई तो हम एट्रोसिटी दाखिल कर देंगे। तो अगर इसी तरह का व्यवहार कोई और किया होता तो सबसे पहला तो राहुल गांधी हमारे सामने कुछ नहीं है, हमारे सामने आवार साहब भी कुछ नहीं है, हमारे सामने एक ही आदमी है, बाबा साहब अम्बेडकर, इससे बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है। अगर बाबा साहब का और बाबा साहब के लोगों का अपमान होता तो हम किसी के कोई भी रहने दो, हम बोला ना राहुल गांधी भी हमारे सामने कुछ नहीं है, बाबा साहब से बढ़कर ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है, ना कोई किसी को मानते, मगर एक देश के लिए काम कर रहे। आवर साहब सेकुलर जेम से काम कर रहे, उन्होंने राहुल गांधी जी को लाया, अभी वहाँ पे लाने के बाद ये जो सिस्टम हुआ वहाँ पे, जो आप कहते हैं कि झटकारा, तो ये जो बरोबर है, आप जो बोल रहे सही है, आप जो बोल रहे वो वीडियो में है, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं है, मगर गलत बात फैला रहे ना भाई मगर सही बात क्या है बताओ? वीडियो में जो दिख रहा है, दिखने का और सोचने का तरीका बहुत गलत है आपका, इतने लोगों के आपका देखने का और सोचने का तरीका गलत है, आप गलत चीजें मत फैलाओ, ये मेरे साथ वीडियो में जो दिख रहा है मैं वो बोल रहा हूँ, बार बार ये मत बोलो, गलत चीजें मत फैलाओ। क्या गलत चीजें फैला रहा हूँ भाई? क्या गलत चीजें फैला रहा हूँ? क्या बोल रहे? हाँ झिड़की दिया ना, वीडियो देखो ना, फेंका उन्होंने, झिड़की दिया ना, वीडियो चालू करो, झिड़की दिया तो आप झिड़की नहीं दिया, उन्होंने वो गार्ड को ये किया, वीडियो दिखाता हूँ ना, कौन सा गार्ड गया था, आप देख लीजिए, आपको पहली जो वीडियो है उसमें आपको पीछे की साइड में, ठीक है, दूसरी वीडियो में दोनों लोग नहीं दिखाई दे रहे, ऊपर से जितेंद्र वाड़ थे वो फेंकते हुए हैं, आप देख लीजिए मेरे भाई, एक बार आप देख लीजिए, तो झिड़की दिए फेंके ना, प्रवीण बाबू को किसी के वो फेंके, झिड़की दिए फेंके ना, मेरे आदमियों को आगे आने दीजिए, ये देखो, आप ही देख लीजिए, देखो कहा उन्होंने फेंका, दिखा इसको, बोल रहे थे कि जब उन्होंने कहा फेंका बता, देखो खींचे, ये देखो फेंक दिए, देखो इसके ऊपर फेंक रहे, फेंका नहीं है भाई, फेंका नहीं है, आप बार बार फेंक दिए बोल के, अरे भाई देखो ना, देखो ना ये वीडियो में, देखो मेरे भाई को उठा के लेके जा रहे कि नहीं, वो वीडियो में है, लेकिन मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, ये फेंकने वाले पांडो की आगे आने नहीं दे रहे थे, मेरा भाई आवार साहब को शाल पहनाना चाह रहा था, ये आप वीडियो देखो क्या है, देखो फेंके ना, फेंके नहीं है, क्या है वो, क्या है बताओ मुझे, सामने देख रहे हो, किधर है उधर है,
ध्यान से देखो, देखे वो फेंके ने, देखो देखो बाजू में ये देखो, ये इसके पास ऐसा रखा है, ये देखो ना। अरे तुम वहां देख ही नहीं रहो, रखा है ऐसा करके, ये देखो ऐसा रखा है, ये देखो, ये ये देखो क्या किए हो भाई। मैं एक मिनट लाओ, दिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ये देखो आप लोग कितना भी बोले कि नहीं ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, जो वीडियो में है ना वो सच्चाई दिखेगी ही दिखेगी। शाल दो बार उन्होंने हाथ ऐसा किया है, दो बार किया है, उसका मतलब क्या शाल फेंका है? दोनों बार हाथ में क्या था? शाल था ना हाथ में, तो फिर तो उसका ऐसे ऐसे करके फेंके, साल है हाथ में, गिर गया ना नीचे। आप गलत ये कर रहे हो भाई, का नहीं है, उन्होंने बॉडीगार्ड को ही चिल्लाया है आने दीजिए। और ये जो वो बॉडीगार्ड को चिल्लाए होंगे, वो बोले होंगे, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। रुकिए ना थोड़ा, रुकिए थोड़ा, मैं बॉडीगार्ड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि बॉडीगार्ड को बोला चिल्लाया उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं सॉल के बारे में बोल रहा हूँ कि सॉल को हाथ में लिया ऐसे फेंका, मैं वो बोल रहा हूँ। आप सब चीजों को गोल गोल घुमाओ मत, हम गोल नहीं घुमा रहे, हमारे पास भी वीडियो है, देख लीजिए वही वीडियो। अगर ऐसा कुछ होता, ऐसा कुछ होता तो अभी तक समाज के लोगों ने रास्ते पे उतर के उसका निषेध किया होता, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। सम्राट नगर के लोग खड़े थे, हमारे लोग भी खड़े थे वहाँ पे, कोई ऐसा हुआ नहीं हादसा। अगर ऐसा हादसा होता तो लोग कह रहे हैं कि आज विधायक जितेंद्र आहवार थे तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं। अगर यही चीज कोई दूसरा किया होता तो आज तो पूरा समाज आपका एक हो गया होता। कितने बड़े चीज में फिरते बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब आवर साहब ने, आवर साहब ने अगर ऐसा किया रहता तो हम निषेद करते थे। आवर साहब क्या हमारे बॉस नहीं है? आवर साहब का कुछ हमारा इतना कुछ लेना देना नहीं है। अगर आवर साहब समाज के साथ गलत करेंगे, बाबा साहब के साथ गलत करेंगे तो हम छोड़ेंगे ना आवर साहब को भी, मगर वैसा हुआ ही नहीं है। वो जो शाल है उन्होंने ऐसा करके ऐसा किए, आप देखिए। अब ऐसा है कि आप मेरे से ज़्यादा आपको मालूम है कि राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता आने के बाद उसकी सिक्योरिटी टाइट रहती है, और वो सारे मसले में आवार साहब ने उनको कहा कि माजा मानसा ले दे, माजा मानसा ले दे, गार्ड को कहा, और फिर वो शाल ऐसा किया। आप देखिए, अभी वहाँ टेस्ट तो नहीं था कि वो टेबल पे रखते थे। बहुत गुस्से में राहुल गांधी, उनको शांत भी कराए, दिख रहा है ना वीडियो। राहुल गांधी बोले कि वो मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड है, उनके ऊपर मत चिल्लाना। अभी सुने ना, अभी कैसा है कि मैं कहना चाहता हूँ कि जिसके दादी को गोली मारकर हत्या की इंदिरा जी की, राजीव जी को बम से उड़ाया, और उनका बेटा अगर इधर आता है तो सिक्योरिटी टाइट रहेंगे ना। देश के लिए जिन्होंने खून बहाया है, अगर वो मुमरा में आता है तो सबकी जवाबदारी है उनका स्वागत करना, उनका सम्मान करना, और वही काम आवर साहब ने किया है। मगर कुछ लोगों को वो इलेक्शन नजदीक आया है तो कुछ तो उल्टा सुलटा करने का, तो ये तो ढूंढ रहे, मगर कुछ मिल रहा नहीं तो बोले दलित समाज को ले लो आगे, बोले वो शाल पे। आपके दलित समाज के लोग भी वहां पर आए थे? हाँ भाई, कितने लोग थे? फिर वही बोल लो, कितने लोग थे आपके पास, कितने लोग हैं? कहाँ है ना, सब जब वक्त आएगा तो रोड पे निकलेंगे। फिर ऐसे वक्त आएगा तो उनके भी रोड पे उतर जाएंगे ना भाई। कितने लोग थे, क्या थे? तुम्हारे यहाँ भी 6-7 लोग हैं ना, वहाँ भी 6-7 लोग थे। मतलब स्पष्टीकरण दे देते हैं कि आपने जो कहा कि कुछ दलित नेता ने वो आंदोलन किया एट्रोसिटी भरने के बारे में, आप वीडियो देखिए, उनको ये मालूम नहीं कि कौन आदमी था, किस पे अन्याय हुआ। उन्होंने कहा, राजन दादा ने, राजन दादा ने हटकर को पूछा कि का तो हमारा समाज का एक आदमी था, ऐसा वो बोल रहे, उनको मालूम आती नहीं है क्या हुआ। क्या बोल रहे थे, हमारे समाज का एक आदमी था, तो समाज का ही आदमी है ना, है ना परवीन भाई, समाज के ही ना उनके। नहीं नहीं, वो क्या बोल रहे, मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए, कि उन्होंने कहा कि हमारे हटकर ने कहा, राजन दादा ने कहा ये दलित समाज के कार्यकर्ता पे अन्याय हुआ है, वो कौन है हमको मालूम नहीं, वो उनके वीडियो में है, आप चेक कीजिए। अरे जिनके ऊपर हुआ ही नहीं, वो भाई हमारे बाजू में बैठे, अगर ऐसा होता था तो ये काय को इधर आते थे। हर आदमी के मान सम्मान इज्जत है ना, अगर मेरा अपमान होएगा तो मैं जाएगा ही नहीं। आज वो छाती ठोक के बोल रहे कि ऐसा हुआ ही नहीं, तो ये सब है ना राजनीतिक पोली भरने के लिए। आपने सुना कि बौद्ध समाज के लोग हैं, बापू माखरी साहब हैं, परवीन भाई हैं,
भाई जो अभी अवार्ड साहब देखो आपने देखा रहेगा, अवार्ड साहब बाबा साहब का नाम हर सम्मान से लेते हैं, जय 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 भीम बोलते हैं, हर प्रोग्राम में दिखते हैं। अगर बाबा साहब का अपमान करना रहता या सॉल का अपमान करना रहता तो बाबा अवार्ड साहब कभी बाबा साहब का नाम नहीं ले सकते। पर अवार्ड साहब सेक्युलर नेता है, बाबा साहब शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, फुले जी के विचारों पे चलने वाले नेता है, सेक्युलर नेता है वो हमेशा बाबा साहब के माध्यम उनके विचारों से चलने वाले लोग हैं। तो वो कभी बाबा साहब का अपमान, अगर अपमान होता तो हम खुद वो सह कर नहीं लेते। हमारे लिए बाबा साहब से बड़ा कोई नहीं, आवाड़ साहब भले मेरे बॉस है पर अगर आवाड़ साहब भी गलती करते हैं तो उनको जवाब पूछने की ताकत मेरे में है। तो आप ऐसा मतलब जो लोग राजनीति फैला रहे उनको मेरा कहना है कि आपने जब डॉक्टर को मारा, जो डॉक्टर लोगों की सेवा करता है तो आपको गुनाह दाखिल नहीं होना चाहिए क्या? और जो रिदा रशीद बोलती है कि समाज ने पैसे लेके आंदोलन किया तो तेरे पे तो होनी चाहिए पहले एट्रोसिटी। तू समाज को बदनाम कर रही है क्या? तू समाज को ये कर रही है क्या? जाओ कराओ ना एट्रोसिटी, अगर होनी चाहिए तो क्यों नहीं जा रहे आप लोग? भाई बाबा साहब ने जो हमको एट्रोसिटी का हथियार दिया है, जो हक दिया है, वो हम ऐसे ही यूज मतलब ऐसे ही किसी पे ये नहीं कर रहे। उनको बाबू साहब ने उनको कहा है, कमाल कर रहे हो। एक बार बोल तो आप पे एट्रोसिटी हो जाएगा, आप बोल रहे हो कि हम जो है ऐसा इस्तेमाल नहीं करते है ना, दोनों तरफ चल रहे हो। रमजान महीना चालू है और रमजान के इस पाक महीने में अभी वो बीजेपी के लोग है उनको तो ये सब लपड़ा करना ही है। बीजेपी के लोग है उनको मालूम है आने वाली सत्ता उनकी नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ भाई, दिल्ली में जो लोग नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पे लात मारा उनको, जब वो सजदा कर रहे थे उनको पूछो वो निषेध करते क्या उसका? रमजान के महीने में नमाज पढ़ते टाइम सजदा करते टाइम उन्होंने ऐसा माता रखा और पीछे से जूते से लात मारी पुलिसों ने, किसकी पुलिस है? रिदा मैडम आप पहला उसका निषेध करो। मैं आपको कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, ये दलित समाज या ये नीले झंडे इससे ज़्यादा मैं बोलता हूँ हम लोग तैयार है लड़ने के लिए, मगर जिन मुस्लिम भाई रमजान में नमाज पढ़ रहे थे और पीछे से पुलिस ने जूते से लात मारा सजदे टाइम, आप नेता हो राजेंद्र दादा, आप नेता हो, जाओ निषेध करो, तब मैं आपको मानूंगा कि आप सही है। वरना ये ऐसे आवार साहब को खाली बदनाम करने के लिए ऐसा झूठा बीटा कुछ फैलाओ मत। इलेक्शन आएगा एकदम अच्छा करारा जवाब आपको इस टाइम मिलेगा। तो आपने सुना कि परवीन पवार, बापू मखरे और अन्य तमाम बौद्ध समाज के लोग हैं जो राहुल गांधी की यात्रा में जो घटना हुई सामने आई वीडियो उसको लेकर कहीं ना कहीं अब परवीन पवार सामने आए। इनका कहना है कि उस वीडियो में ये थे और इनके साथ में ये जो शख्स बैठे बाजू में ये थे, ये दोनों लोग वहाँ पर मौजूद थे। और जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि अलग रंग रूप दिया जा रहा था और उस चीज़ से इन लोगों का इनकार है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कोई वहाँ पर सुरक्षा गार्ड था, उससे बातचीत हो रही थी और उसको हटाया गया, इसलिए विधायक जितेंद्र भाट को गुस्सा आया था क्योंकि वो सुरक्षा गार्ड इन लोगों को रोक रहा था, ऐसा इन लोगों का कहना है। जो दावे किए जा रहे हैं उन दावों की सच्चाई से ये इनकार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था।